हरिद्वार में दिसंबर महीने में हुए धर्म संसद का विवाद अभी थमा नहीं है, लेकिन धर्म संसद के आयोजन में प्रमुख रहे यति नरसिंहा नंद ने एक बार फिर से हरिद्वार में धर्म संसद आयोजित करने का ऐलान कर दिया है। यति नरसिंहा नंद के ऐलान से प्रशासन के सामने एक बार फिर से बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की रिहाई की मांग को लेकर धरना दे रहे नरसिंहा नंद ने कहा है कि मई महीने में एक बार फिर से धर्म संसद बुलाई जाएगी, जिसमें सभी बड़े साधु संतों और अखाड़ा परिषद को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य सभी धर्मों की लड़ाइयां उनके प्रमुख धार्मिक स्थलों से लड़ी जाती हैं, लेकिन हिंदुत्व की लड़ाई में साधु संत मौन हैं। ठीक है, 6, 7 और 8 मई शंकराचार्य जी की जयंती है, 6 मई की। तो शंकराचार्य जी की जयंती के शुभ अवसर पर धर्म की रक्षा कैसे हो और उसमें धर्माचार्य का क्या कर्तव्य है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए धर्म संसद बुलाई गई है। देखिए, एक बात का आप ध्यान दीजिए, मुसलमानों की जितनी भी लड़ाई है वो उनकी मस्जिदों से चलती है, मदरसों से चलती है, उनके धर्मगुरु लड़ते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि आतंकवादियों को जिन्हें मृत्युदंड मिला, उनके मुकदमे अब जमीयत उलमाए हिंद जो मुस्लिम मौलानाओं का सबसे बड़ा संगठन है वो लड़ेंगे। सिखों की कोई बात हो तो उनके गुरुद्वारे लड़ते हैं, ईसाइयों की कोई बात हो उनके चर्च और उनके धर्मगुरु लड़ते हैं। हम हिंदू कहाँ जाएं? हिंदू के लिए कौन लड़ेगा? क्या हिंदू धर्माचार्यों का धर्म के प्रति कोई कर्तव्य है या नहीं है, इसको तय करने के लिए, इसको तय करने के लिए धर्म संसद बुलाई गई है। कहा जा सकता है हम सबको निमंत्रण देंगे, अब जिसकी मन हो वो आ जाए। हम इसमें जगतगुरु शंकराचार्य जी को निमंत्रण देंगे, सभी पंतों के धर्मगुरुओं को निमंत्रण देंगे, 13 के 13 अखाड़ों को बुलाएंगे, अखाड़ों के महामंडलेश्वरों को बुलाएंगे, हम सबको निमंत्रण देंगे। कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये उनकी मर्जी है।